ब्रॉट टू यू बाय सेंसोडेंट के। अभी लेके आए सेंसोडेंट के, टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। अजय देवगन की मैदान पिछले 4-5 सालों से फंसी हुई है। इतनी रिलीज डेट आई, बस फिल्म ही नहीं आई। अब फाइनली ईद 2024 पर फिल्म सिनेमाघरों में उतरने जा रही है। रिलीज से पहले डायरेक्टर अमित आर शर्मा ने बॉलीवुड हंगामा से बातचीत की। उन्होंने बताया कि रिलीज से 2 महीने पहले फिल्म की स्क्रीनिंग क्यों रखी गई। आमिर खान ने फिल्म देखकर क्या कहा, ये भी उन्होंने बताया। अमित ने बताया कि करीब 6 महीने पहले आमिर को फिल्म दिखाई गई थी। उन्होंने ऑफिस में ही फिल्म देखी थी। वो फिल्म देखकर बाहर निकले, मेरी तरफ देखा और कहा, मैं अपना रोना और अपनी हंसी दोनों ही रोक नहीं पा रहा था। उन्होंने कहा कि मैदान देखते वक्त वो अपनी सीट के कोने पर बैठे थे। उन्होंने एक भी मौके पर नहीं कहा कि ये बेहतर हो सकता था या वो अच्छा हो सकता था। बीच बीच में मैं अंदर जाकर चेक कर रहा था कि उनकी प्रतिक्रिया क्या है। उन्हें पता भी नहीं चला कि मैं अंदर झांक रहा हूं। मैंने देखा कि वो फिल्म एंजॉय कर रहे थे। बीती 28 फरवरी को फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के लिए मैदान की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी। इनमें से ज्यादातर ट्रेड एनालिस्ट थे। अमित से पूछा गया कि फिल्म की रिलीज से इतना पहले स्क्रीन करने का भरोसा कैसे आता है। उनका कहना था, फिल्म के हर डिपार्टमेंट में लोगों ने बढ़िया काम किया है। इस फिल्म पर जितने लोगों ने काम किया है वो अपने आप में अविश्वसनीय है। कुछ दिन पहले मैं अपनी टीम से पूछ रहा था कि एंड क्रेडिट्स में इतना टाइम क्यों लग रहा है। टीम के सदस्य ने कहा, टाइम तो लगेगा, इतने सारे नाम जो है। मैंने पूछा, कितने नाम है? तब उन्होंने मुझे बताया कि फिल्म पर 3,500 लोगों ने काम किया है और हमें उन नामों को उनकी सही जगह देनी ही होगी। मैं मिक्सिंग स्टूडियो में था और कंप्यूटर बार बार बंद पड़ रहा था। मैंने इंजीनियर से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने कहा, आपकी फिल्म बहुत बड़ी है। मैंने कहा, मैं समझता हूं कि इस कंप्यूटर को अपग्रेड करने की जरूरत है क्योंकि यह हैवी फाइल को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। उन्होंने जवाब दिया, कंप्यूटर एकदम करेक्ट है लेकिन आपकी फिल्म में 1300 आवाजों को इस्तेमाल किया गया है। अमित से पूछा गया कि फिल्म को रिलीज होने में इतना वक्त क्यों लग रहा है। उन्होंने बताया कि अप्रैल 2019 से फरवरी 2020 के बीच 65% शूटिंग पूरी हो चुकी थी। उसके बाद कोविड आ गया। मैदान में इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर्स भी हैं, इसलिए उन्हें लाने में भी वक्त लग गया। साल 2020 में आए चक्रवाती तूफान की वजह से स्टेडियम का सेट तबाह हो गया, उसके चलते शूटिंग डिले होती चली गई। किसी तरह शूटिंग पूरी होने के बाद VFX को भी सफिशिएंट टाइम दिया गया। इन्हीं कारणों की वजह से फिल्म पोस्टपोन होती रही, लेकिन अब अप्रैल 2024 में ये रिलीज होने जा रही है। फिल्म कैसा कमाएगी, बॉक्स ऑफिस पर कैसा परफॉर्म करेगी, ये तो आने के बाद ही पता चलेगा। ये जानकारी आपके लिए जुटाई थी मेरे साथी यमन ने। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया। शुरू हो गया है YouTube पर ललन टॉप का नया मेंबरशिप प्रोग्राम LT प्रीमियम। क्या होगा इसमें? LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देख सकते हैं गेस्ट इन द न्यूज रूम और किताब वाला जैसे कई शोज। ललन टॉप के हम सब एंकर्स हर हफ्ते आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे आपके सवालों के जवाब। ललन टॉप के न्यूज रूम में क्या होता है, अर्ली एक्सेस ब्लॉग में दिखेगी न्यूज रूम की रोचक जानकारी और उठापटक। ये मेंबरशिप लेने के बाद सिने सन्यासी समेत कई नए नवेले पॉडकास्ट भी आप सबसे पहले सुन पाएंगे। जो हमारे नए शोज प्रस्तावित हैं उस पर भी आपकी राय ली जाएगी, खास तौर पर क्योंकि आप हैं हमारे प्रीमियम व्यूअर। इसके अलावा मजेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप YouTube के चैट और कमेंट सेक्शन में कर पाएंगे। इस मजे के लिए क्या करना होगा, इस जुड़ाव के लिए क्या करना होगा, जाना होगा ललन टॉप के YouTube चैनल पर और ज्वाइन बटन को प्रेस करना होगा। फिर सिर्फ 69 रुपए महीने में मिलेगा ललन टॉप आनंद। एप्पल यूजर नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर LT प्रीमियम सब्सक्राइब करें।